हमारा आज का लेक्चर वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस के चैप्टर 3 की अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन का सेकंड लेक्चर है और आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम नंबर 11 के सॉल्यूशन से। तो यहाँ पे हमें 3 वेक्टर फंक्शंस a, b और c दिए गए हैं और हमने फाइंड आउट करना है d by dt of a cross b cross c at t equals 0। तो हमने गिवन 3 वेक्टर फंक्शंस के क्रॉस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट a cross b cross c फाइंड करेंगे और फिर उसका डेरिवेटिव एवेल्युएट करेंगे। तो सबसे पहले हम b cross c को एवेल्युएट कर लेते हैं। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे b वेक्टर फंक्शन और c वेक्टर फंक्शन का। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटरमिनेंट मेथड को यूज़ करेंगे। सो हमारा डिटरमिनेंट होगा i, j, k और फिर हम सेकेंड रो में वेक्टर फंक्शन b के कंपोनेंट्स लिखेंगे जो हैं cos t माइनस साइन t माइनस 3। सो cos t माइनस साइन t एंड माइनस 3। और फिर थर्ड रो में हमारे पास c के कंपोनेंट्स होंगे जो हैं 2, 3 एंड माइनस 1। सो 2, 3 एंड माइनस 1 डिटरमिनेंट। तो ये हमारे पास एक 3x3 डिटरमिनेंट आएगा जिसको अब हम एक्सपेंड करेंगे। सो हम इसको एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो से। सो एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट बाय फर्स्ट रो। आर वन से या फर्स्ट रो से हम इसको एक्सपेंड करेंगे और आगे हम चलेंगे। तो फर्स्ट रो से अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो हम फर्स्ट एंट्री आई लेंगे आई और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक 2x2 डिटरमिनेंट से जो कि कैसे आएगा हमारे पास कि हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो 2x2 डिटरमिनेंट जो आएगा वो होगा माइनस साइन टी माइनस 3 3 माइनस 1। सो माइनस साइन टी माइनस 3 3 एंड माइनस 1। फिर इस तरह जो सेकेंड एंट्री है फर्स्ट रो की जे, इसको हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे माइनस जे टाइम्स। अब हमारे पास 2x2 डिटरमिनेंट क्या आएगा बाय डिलीटिंग द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। सो कॉस टी माइनस 3 2 माइनस 1। सो कॉस टी माइनस 3 2 माइनस 1। और इसी तरह प्लस के टाइम्स, थर्ड एंट्री को हम पॉजिटिव लेंगे तो के टाइम्स हमारे पास जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या होगा कॉस टी माइनस साइन टी एंड 2 3। ओके, अब हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे इन जो हमारे पास 2x2 डिटरमिनेंट्स आए हैं। आई टाइम्स माइनस साइन टी इंटू माइनस 1, तो ये हो जाएगा साइन टी एंड माइनस 3 इंटू माइनस 3 ये हो जाएगा प्लस 9 एंड देन माइनस जे टाइम्स कॉस टी इंटू माइनस 1 विच इज माइनस कॉस टी एंड माइनस 2 माइनस 3 इज प्लस 6 एंड देन के टाइम्स कॉस टी इंटू 3 विच इज 3 कॉस टी एंड माइनस 2 इंटू माइनस साइन टी विच इज प्लस 2 साइन टी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं साइन टी प्लस 9 आई प्लस कॉस टी माइनस 6 जे एंड प्लस 3 कॉस टी प्लस 2 साइन टी टाइम्स के। तो ये हमारा आ गया बी क्रॉस सी वेक्टर फंक्शन। तो अब हमने ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड करना है। तो अब हमने इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ए के साथ अब हमने एवेल्युएट करना है। सो वी हैव टू फाइंड नाउ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो सबसे पहले हम ए के कंपोनेंट्स लिखेंगे। अब भी यहाँ पे हम डिटरमिनेंट मेथड यूज करेंगे। तो हमारा डिटरमिनेंट होगा आई जे इन के। तो ए के कंपोनेंट्स क्या हैं हमारे पास, जो वेक्टर फंक्शन ए है इसके हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं
साइन टी कॉस टी एन टी, साइन टी कॉस टी एन टी, तो वो हम लिख लेंगे यहाँ पे वेक्टर फंक्शन ए के कंपोनेंट्स, साइन टी कॉस टी एन टी, साइन टी कॉस टी एन टी। और फिर बी क्रॉस सी वेक्टर फंक्शन अभी हमने फाइंड किया था ऊपर, इसके कंपोनेंट्स हैं साइन टी प्लस नाइन, कॉस टी माइनस सिक्स एंड थ्री कॉस टी प्लस टू साइन टी। अब हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करें, ओके, तो इसको भी हम फर्स्ट और सेकंड एक्सपेंड करें तो दिस विल बी इक्वल टू आई टाइम्स यहाँ पे हम हमारे पास जो टू बाई टू डिटरमिनेंट आएगा तो वो होगा कॉस टी टी, कॉस टी माइनस सिक्स, थ्री कॉस टी प्लस टू साइन टी। तो कॉस टी टाइम्स, सो कॉस टी टाइम्स थ्री कॉस टी प्लस टू साइन टी एंड माइनस टी टाइम्स कॉस टी माइनस सिक्स, ये आ गया। फिर माइनस जे टाइम्स, अब हमारे पास जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम साइन टी टी साइन टी प्लस नाइन और थ्री कॉस टी प्लस टू साइन टी इनको हम लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन टी मल्टीप्लाइड बाय थ्री कॉस टी प्लस टू साइन टी एंड माइनस टी टाइम्स साइन टी प्लस नाइन और फिर प्लस के टाइम्स। तो अब हमारे पास जो टू बाई टू डिटरमिनेंट होगा ये जिसको हम लेंगे तो होगा साइन टी कॉस टी, साइन टी प्लस नाइन कॉस टी माइनस सिक्स, तो साइन टी इंटू कॉस टी माइनस सिक्स, साइन टी इंटू कॉस टी माइनस सिक्स एंड देन माइनस कॉस टी इंटू साइन टी प्लस नाइन। ठीक है, अब हम इन मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म करेंगे और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं आई टाइम्स कॉस टी टाइम्स थ्री कॉस टी, तो थ्री कॉस स्क्वायर टी प्लस कॉस टी इंटू टू साइन टी विच इज टू साइन टी कॉस टी, देन माइनस टी कॉस टी प्लस सिक्स टी एंड माइनस जे टाइम्स थ्री साइन टी कॉस टी प्लस टू साइन स्क्वायर टी एंड माइनस टी साइन टी माइनस नाइन टी एंड देन प्लस के टाइम्स साइन टी कॉस टी माइनस सिक्स साइन टी माइनस कॉस टी साइन टी माइनस नाइन कॉस टी। तो ये हमारे पास आ गया, और इसको हम फर्दर भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाई थोड़ा और, इसको हम कहीं होता है तो वो कर सकते हैं, जिस तरह के यहाँ पे देखें आपके पास साइन टी कॉस टी और माइनस साइन टी कॉस टी ये कट जाएगा, तो पीछे आपके पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी ए क्रॉस बी क्रॉस सी की, तो क्या आएगी, तो ए क्रॉस b क्रॉस c की जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी वो होगी i टाइम्स, ये इसको हम इस तरह लिख दें जो हमारे पास स्टैंडर्ड वेक्टर फॉर्म होती है, तो पहले हम कंपोनेंट लिख लेते हैं, तो जगह थ्री कॉस स्क्वायर t प्लस टू साइन t कॉस t, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके इसको हम साइन टू t भी लिख सकते हैं, और माइनस t कॉस t प्लस सिक्स टी टाइम्स आई, और इसी तरह फिर हमारे पास आ जाएगा जी माइनस ये कंपोनेंट पहले लिख लेंगे थ्री साइन टी कॉस टी प्लस टू साइन स्क्वायर टी माइनस टी साइन टी माइनस नाइन टी टाइम्स जे इन प्लस माइनस सिक्स साइन टी
माइनस नाइन कॉस टी के. सो दिस इज अवर ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर फंक्शन. ओके, तो अब हम इसका डेरिवेटिव एवेल्युएट करेंगे. सो नाउ वी विल फाइंड डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी. तो जैसे कि आपको पता है कि किसी भी वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम उसके हर कंपोनेंट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी विल बी इक्वल टू, सो द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन टाइम्स आई माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन टाइम्स जे प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन टाइम्स के. ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ थ्री कॉस स्क्वेयर टी प्लस साइन टू टी माइनस टी कॉस टी प्लस सिक्स टी टाइम्स आई माइनस डी बाई डी टी ऑफ थ्री साइन टी कॉस टी प्लस टू साइन स्क्वेयर टी माइनस टी साइन टी माइनस नाइन टी जे एंड प्लस डी बाई डी टी ऑफ माइनस सिक्स साइन टी माइनस नाइन कॉस टी टाइम्स के. अब हम इन डेरिवेटिव्स को फाइंड करेंगे. तो डेरिवेटिव्स को फाइंड करके हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा. तो नाउ डेरिवेटिव ले लेते हैं हर टर्म का. थ्री कॉस स्क्वायर टी का डेरिवेटिव क्या होगा? तो ये हो जाएगा थ्री टाइम्स कॉस स्क्वायर टी का डेरिवेटिव. तो ये हो जाएगा सिक्स कॉस टी, और साथ में कॉस टी का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे विच इज माइनस साइन टी. और साइन टू टी का डेरिवेटिव क्या होगा? टू टाइम्स कॉस टू टी, और फिर माइनस टी कॉस टी. तो टी कॉस टी का डेरिवेटिव हम प्रोडक्ट रूल से फाइंड कर लेते हैं. सो टी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी, तो ये बन जाएगा माइनस टी साइन टी इन प्लस, फिर प्लस कॉस टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी, तो ये बन जाएगा कॉस टी. और सिक्स टी का डेरिवेटिव हो जाएगा सिक्स टाइम्स आई. और इसी तरह अब डेरिवेटिव ऑफ थ्री साइन टी कॉस टी, तो ये थ्री टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ साइन टी कॉस टी क्या होगा? ये हो जाएगा साइन टी इंटू साइन टी साइन स्क्वायर टी, और फिर प्लस कॉस टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन टी, तो ये भी हो जाएगा cos t times cos t which is cos square t, और फिर प्लस टू sin square t का डेरिवेटिव हो जाएगा फोर sin t into cos t. इस तरह फिर माइनस t sin t का डेरिवेटिव हो जाएगा t cos t प्लस sin t, और माइनस नाइन t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस नाइन. दिस इज टाइम्स j, और फिर डेरिवेटिव ऑफ माइनस सिक्स साइन टी माइनस सिक्स कॉस टी हो जाएगा, और माइनस नाइन कॉस टी का डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस नाइन साइन टी टाइम्स के. तो ये हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव. तो हम इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं. तो ये क्या होगा? सो दिस इज इक्वल टू माइनस सिक्स sin t cos t plus 2 cos 2 t plus t sin t and minus cos t plus 6 I and minus 3 sin square t plus 3 cos square t plus 12 sin t cos t minus t cos t minus sin t minus 9 times j and plus minus 6 cos t plus sin 9 sin t k. ओके, तो अब हम इस डेरिवेटिव को एवेल्युएट करेंगे एट टी इक्वल जीरो. सो एट टी इक्वल जीरो डी बाई डी टी ऑफ
ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा? अब हम ऊपर जो एक्सप्रेशन आया था डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, तो यहाँ पे हम टी को जीरो से रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पे हम अगर हर टर्म में टी को जीरो से रिप्लेस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? तो ये टर्म जीरो हो जाएगी साइन जीरो होने की वजह से, तो जीरो। ये टर्म क्या हो जाएगी? टू कॉस जीरो, तो ये हो जाएगा प्लस टू। टी साइन टी टर्म भी जीरो हो जाएगी, माइनस कॉस टी, तो ये हो जाएगा माइनस वन, और प्लस सिक्स टाइम्स आई। फिर माइनस थ्री साइन स्क्वायर टी टर्म भी जीरो हो जाएगी, थ्री कॉस स्क्वायर टी कितना हो जाएगा? थ्री। 12 sin t cos t ये भी जीरो हो जाएगा, और माइनस t cos t ये टर्म भी जीरो हो जाएगी t जीरो होने की वजह से, और माइनस साइन टी ये भी जीरो हो जाएगी, और पीछे बच जाएगा माइनस नाइन। फिर लास्ट में माइनस सिक्स कॉस टी ये माइनस सिक्स हो जाएगा, और 9 sin t जीरो हो जाएगा। इस तरह हमारे पास d बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी ए टी इक्वल जीरो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 7 i प्लस 6 j माइनस 6 k। ओके, तो इस तरह ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। ओके, सो 8 t इक्वल जीरो डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू द वेक्टर 7 i प्लस 6 j माइनस 6 k। ओके, सो दिस इज अवर आंसर। यहाँ पे हमने टी इक्वल जीरो पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी का डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 पे। तो यहाँ हमें ए और बी वेक्टर फंक्शंस दिए हुए हैं, और हमने उनके क्रॉस प्रोडक्ट का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो वी हैव टू फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ए क्रॉस बी एट टी इक्वल जीरो। तो अगेन यहाँ पे भी हम सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर लेंगे, और फिर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी। यहाँ पे भी जो सोल्यूशन है हमारे पास, तो उसमें हम सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं। तो ए क्रॉस बी के लिए हम डिटरमिनेंट मेथड यूज करेंगे आई जे के, और ए के कंपोनेंट्स हैं 3t² माइनस टी प्लस फोर, एंड टी स्क्वायर माइनस टू टी, और बी के जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं साइन टी 3e⁻ माइनस टी एंड माइनस 3 cos t। इस डिटरमिनेंट को हम एवेल्युएट करेंगे। तो फर्स्ट रो से इसे हम एक्सपेंड करें तो ये आई टाइम्स क्या होगा? तो हम इसमें ये 2/2 डिटरमिनेंट लेंगे। ओके, यहाँ पे हम टी प्लस फोर और माइनस टी प्लस फोर और माइनस 3 cos t को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? हो जाएगा 3 cos t टाइम्स टी प्लस फोर, और फिर माइनस 3e⁻ माइनस टी इंटू टी स्क्वेयर माइनस टू टी, और फिर माइनस जे टाइम्स, तो ये होगा 3t² माइनस टू टी साइन टी एंड माइनस 3 cos t, तो ये हो जाएगा 3t² इंटू माइनस 3 cos t प्लस सॉरी माइनस साइन टी इंटू टी स्क्वेयर माइनस टू टी, और फिर के टाइम्स क्या होगा? तो ये होगा हमारे पास प्लस के टाइम्स 3t² इंटू 3e⁻ t, तो ये हो जाएगा 3t² इंटू 3e⁻ माइनस टी
and minus sine t into minus t plus 4, which is plus sine t into t plus 4. फिर तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ए क्रॉस बी को, तो ये हो जाएगा आई टाइम्स थ्री टी कॉस टी प्लस 12 कॉस टी। तो यहाँ पे हमने 3 कॉस टी को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ पे माइनस 3t स्क्वायर e टू द पावर माइनस t एंड प्लस 6t e टू द पावर माइनस t एंड माइनस j टाइम्स ये हो जाएगा माइनस 9t स्क्वायर cos t माइनस t स्क्वायर sin t एंड प्लस 2t sin t प्लस k टाइम्स हो जाएगा 9t स्क्वायर e टू द पावर माइनस t प्लस t sin t एंड प्लस 4 sin t। तो ये मेरे पास आ जाएगा a क्रॉस b। तो इसको हम अब हम क्या करेंगे, इसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर ले। तो व्हाट इज डी बाय डीटी ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, तो अब हम हर कंपोनेंट का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू डी बाय डीटी ऑफ थ्री टी कॉस टी प्लस 12 कॉस टी माइनस 3t स्क्वायर e टू द पावर माइनस t प्लस 6t e टू द पावर माइनस t टाइम्स i एंड माइनस d बाय dt ऑफ माइनस 9t स्क्वायर cos t माइनस t स्क्वायर sin t प्लस 2t sin t टाइम्स j एंड प्लस डी बाई डी टी ऑफ 9t स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस टी प्लस टी साइन टी प्लस 4 साइन टी टाइम्स के। अब हम ये डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो क्या होगा, ये डिफ्रेंशिएट कर लें। सो फाइंड करते हैं डेरिवेटिव 3t cos t का, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स माइनस टी साइन टी प्लस कॉस टी। तो टी कॉस टी पे हमने प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई कर लिया। 12 कॉस टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 12 साइन टी। और इसी तरह फिर माइनस 3 टाइम्स टी स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस टी पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, तो ये हो जाएगा टी माइनस टी स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस टी एंड प्लस 2t e टू द पावर माइनस t और फिर प्लस 6 टाइम्स t e टू द पावर माइनस t पे रूल अप्लाई कर लेते हो जाएगा माइनस t e टू द पावर माइनस t प्लस e टू द पावर माइनस t। तो ये डेरिवेटिव आ गया आई कंपोनेंट का। अब फिर माइनस द डेरिवेटिव ऑफ j कंपोनेंट, सो माइनस 9 टी स्क्वायर cos t का डेरिवेटिव, तो माइनस 9 टाइम्स टी स्क्वायर cos t का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट टूल यूज कर लें यहाँ पे भी, तो हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर sin t एंड प्लस 2t cos t और फिर माइनस अगेन टी स्क्वायर sin t का डेरिवेटिव टी स्क्वायर cos t प्लस 2t sin t और फिर 2t sin t का डेरिवेटिव, सो प्लस 2 टाइम्स t cos t प्लस sin t।
j कंपोनेंट का डेरिवेटिव आ गया, और अब हम फाइंड करेंगे k कंपोनेंट का डेरिवेटिव। तो प्लस k कंपोनेंट का डेरिवेटिव, तो k कंपोनेंट का जो डेरिवेटिव बनेगा तो बनेगा 90 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टी का डेरिवेटिव, तो हो जाएगा 9 टाइम्स 9 टाइम्स माइनस टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी प्लस 2 टी ई टू द पावर माइनस टी। फिर टी साइन टी का डेरिवेटिव बनेगा टी कॉस टी प्लस साइन टी, और 4 साइन टी का डेरिवेटिव होगा 4 कॉस टी टाइम्स के। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो अभी तक हमारे पास आ गया है d by dt of a cross b। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा माइनस 3t sin t प्लस 3 cos t माइनस 12 sin t प्लस 3t square e to the power minus t minus 6t e to the power minus t and minus 6t e to the power minus t plus 6 e to the power minus t times i। okay, और फिर क्या होगा, प्लस 9 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लें, जो हो जाएगा माइनस 9t स्क्वायर साइन टी और प्लस 18t कॉस टी और माइनस, और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस टी स्क्वायर कॉस टी प्लस 2t साइन टी प्लस 2t कॉस टी प्लस 2 साइन टी टाइम्स जे। और फिर नेक्स्ट ये क्या होगा, के कंपोनेंट लिख देंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 9t स्क्वायर e टू द पावर माइनस 9 e टू द पावर माइनस t प्लस 18t e टू द पावर माइनस t प्लस t cos t प्लस sin t प्लस 4 cos t k। ये हमारे पास आ गया d by dt of a cross b। तो अभी हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इसको एक दफा और डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, सो फॉर d 2 by dt square of a cross b, इसके एक दफा और डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। यहां पे भी हम i j k कंपोनेंट्स के अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो i कंपोनेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे माइनस 3t साइन t का डेरिवेटिव, तो हो जाएगा माइनस 3 इंटू टी कॉस टी प्लस साइन टी। 3 कॉस टी का डेरिवेटिव होगा माइनस 3 साइन टी। माइनस 12 साइन टी का डेरिवेटिव होगा माइनस 12 कॉस टी। और फिर 3t square e to the power minus t, तो 3 times t square e to the power minus t पे product rule लगा दें, तो ये जगह minus t square e to the power minus t plus 2t e to the power minus t minus 6t e to the power minus t, तो इसका भी minus 6 times minus t e to the power minus t और plus e to the power minus t और आगे फिर माइनस 6t e टू द पावर माइनस t, तो माइनस 6 टाइम्स
माइनस टी ई टू द पावर माइनस टी प्लस ई टू द पावर माइनस टी, और फिर सिक्स ई टू द पावर माइनस टी का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस सिक्स ई टू द पावर माइनस टी। तो ये सारा आई कंपोनेंट का डेरिवेटिव आ गया। अब हम जे कंपोनेंट का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो प्लस माइनस नाइन टी स्क्वायर साइन टी का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस नाइन टाइम्स टी स्क्वायर कॉस टी प्लस टू टी साइन टी, तो एटीन टी कॉस टी का डेरिवेटिव हो जाएगा एटीन टाइम्स माइनस टी साइन टी प्लस कॉस टी, टी स्क्वायर कॉस टी का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर साइन टी प्लस टू टी कॉस टी, और टू टी साइन टी का डेरिवेटिव हो जाएगा टू टाइम्स टी कॉस टी प्लस साइन टी, फिर टू टी कॉस टी का डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस टू टाइम्स माइनस टी साइन टी प्लस कॉस टी, और टू साइन टी का डेरिवेटिव होगा टू कॉस टी। ये आ गया जे कंपोनेंट। और फिर के कंपोनेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस नाइन टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस नाइन टी का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस नाइन इंटू माइनस टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी प्लस टू टी ई टू द पावर माइनस टी, और फिर एटीन इंटू टी ई टू द पावर माइनस टी का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस टी ई टू द पावर माइनस टी प्लस ई टू द पावर माइनस टी, फिर टी कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस टी साइन टी प्लस कॉस टी, और साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, और फोर कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस फोर साइन टी। तो ये आ गया के कंपोनेंट। ओके, तो अब हम सेकंड डेरिवेटिव को फर्दर हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली इसको एवेल्युएट करेंगे एट टी इक्वल जीरो पे। ठीक है, सो एट टी इक्वल जीरो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो जहां जहां अब टी है उसको हम जीरो से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये सेकंड डेरिवेटिव आएगा। तो आई कंपोनेंट में देखें, जहां जहां टी है जीरो प्लग इन करें तो ये जीरो टर्म हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगा, तो सारी टर्म जीरो, ये भी जीरो, माइनस ट्वेल्व कॉस टी तो ये माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, इसके बाद ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, ये जीरो, और माइनस सिक्स टाइम्स ये वन हो जाएगा, माइनस सिक्स यहाँ पे टी ई माइनस टी ये जीरो हो जाएगा, ई माइनस टी जो है वो वन हो जाएगा, तो ये माइनस सिक्स, यहाँ पे माइनस सिक्स ई माइनस टी ये भी माइनस सिक्स हो जाएगा, तो ये आई कंपोनेंट आ गया एट टी इक्वल जीरो। तो फिर जे कंपोनेंट क्या होगा टी इक्वल जीरो पे, टी स्क्वायर कॉस टी ये जीरो हो जाएगा, टू टी साइन टी जीरो हो जाएगा, टी साइन टी यहाँ जीरो हो गया, कॉस टी वन हो जाएगा, तो ये एटीन टाइम्स वन एटीन हो जाएगा, टी स्क्वायर साइन टी ये जीरो हो जाएगा, टू टी कॉस टी जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, और ये तो ये बन जाएगा एटीन प्लस टू जे, और इस तरह के कंपोनेंट क्या बन जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, ये प्लस एटीन हो जाएगा एटीन, और ये जीरो, और ये वन, और ये वन, और तो विच इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस थ्री हो जाएगा माइनस थर्टी आए प्लस ट्वेंटी फोर जे इन प्लस 20K। तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा 8t इक्वल जीरो। सो दिस इज अवर आंसर, सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 13 एंड वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशंस फॉर d बाई डी टी ऑफ r क्रॉस डी आर बाई डी टी क्रॉस डी टू आर बाई डी टी टू। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट्स में डेरिवेटिव्स एवेल्युएट करने हैं, तो हम फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने एवेल्युएट करना है डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस
डी आर बाई डी टी क्रॉस डी टू आर बाई डी टी टू, इस डेरिवेटिव को हमने एवेल्युएट करना है। तो यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, देर इज डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस डी सी बाई डी टी प्लस ए क्रॉस डी बी बाई डी टी क्रॉस सी इन प्लस डी ए बाई डी टी क्रॉस बी क्रॉस सी। ओके, इट मीन्स कि जब हमने थ्री वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले हम फर्स्ट वेक्टर को और सेकंड वेक्टर को एज इट इज रखेंगे, वो थर्ड वेक्टर का हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, फिर प्लस करेंगे और फिर हम फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज लिखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, फिर इसी तरह फर्स्ट का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और सेकंड और थर्ड को एज इट इज लिख देंगे। तो इस तरह हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी। तो सेम इसी फार्मूला को यूज करते हुए हम इस डेरिवेटिव को भी फाइंड करेंगे। जिसको अगर हम देखें एक्सपेंड करें तो यहाँ हम फर्स्ट जो वेक्टर है आर उसको एज इट इज लिख लेंगे आर क्रॉस, सेकेंड को भी एज इट इज लिख लेंगे डी आर बाई डी टी, और यहाँ पे हम डेरिवेटिव ले लेंगे थर्ड जो हमारे पास वेक्टर है विच इज डी टू आर बाई डी टी टू। इसका जब हम डी बाई डी टी लेंगे क्या होगा, पहले इसको मैं एक दफा लिख देता हूँ, डी बाई डी टी ऑफ डी टू आर बाई डी टी टू, ये कर लिया अब हमने। फिर नाउ प्लस, अब हम फर्स्ट वेक्टर को एज इट इज लिखेंगे और अब हम डेरिवेटिव लेंगे सेकेंड वेक्टर का विच इज डी आर बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव हमने ले लिया। और थर्ड वेक्टर जो है वो अच्छा, यहाँ पे हम देख लें कि इनको हमने ग्रुपिंग इनकी हमने सेम रखनी है इस तरह। तो यहाँ पे अब हम थर्ड वेक्टर जो है डी टू आर बाई डी टी टू इस पे एज इट इज रखते हैं। और इसी तरह फिर अब हम फर्स्ट वेक्टर आर का डेरिवेटिव ले लेंगे और फिर हम सेकेंड और थर्ड वेक्टर्स को एज इट इज रखेंगे। इस तरह हमने इस फार्मूला से इस डेरिवेटिव को एक्सपेंड कर दिया। तो अब इसको हम फर्दर लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज आर क्रॉस डी आर बाई डी टी क्रॉस और डी बाई डी टी ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव, ये क्या हो जाएगा थर्ड डेरिवेटिव डी थ्री आर बाई डी टी थ्री, इसको हम इसे लिख लेंगे प्लस आर क्रॉस, अब डी बाई डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव डी टू आर बाई डी टी टू, इसको इस तरह लिख लेंगे और फिर डी आर बाई डी टी क्रॉस डी आर बाई डी टी क्रॉस डी टू आर बाई डी टी टू, इसको इस तरह लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो सेकंड जो टर्म है इसमें दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे देखें डी टू आर बाई डी टी टू क्रॉस डी टू आर बाई डी टी टू, तो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगा। तो फिर क्या बचेगा पीछे हमारे पास, तो ये हो जाएगा आर क्रॉस डी आर बाई डी टी क्रॉस डी थ्री आर बाई डी टी थ्री, सेकेंड टर्म जीरो होगी और प्लस हम ये थर्ड टर्म को लिख लेंगे डी आर बाई डी टी क्रॉस डी आर बाई डी टी क्रॉस डी टू आर बाई डी टी। इस तरह ये हमारे पास पार्ट वन का डेरिवेटिव आ गया। तो पार्ट वन में हमने
एवेल्युएट करना था डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस डी आर बाई डी टी क्रॉस डी टू आर बाई डी टी टू, सो विच इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। और अब हम फाइंड आउट करेंगे डेरिवेटिव जो कि हमें सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है। तो सेकेंड पार्ट में हमने फाइंड करना है जो डेरिवेटिव वो है हमारे पास डी टू बाई डी टी टू ऑफ आर क्रॉस डी आर बाई डी टी क्रॉस डी टू आर बाई डी टी टू। अब मैंने इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। ओके, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि डी बाई डी टी ऑफ डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस डी आर बाई डी टी क्रॉस डी टू आर बाई डी टी टू, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमारे पास डेरिवेटिव है ये हम ऑलरेडी पार्ट वन में फाइंड कर चुके हैं, तो हम सिंपली पार्ट वन में जो हमने इसका लाया था इसका जो आंसर था पार्ट वन का वो यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो डी बाई डी टी ऑफ, तो ये वाला डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, ये वाला जो डेरिवेटिव है ये पार्ट वन में हम एवेल्युएट कर चुके हैं, तो ये आ रहा था, इसको हम इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो ये था आर क्रॉस डी आर बाई डी टी क्रॉस थर्ड डेरिवेटिव प्लस डी आर बाई डी टी क्रॉस डी आर बाई डी टी क्रॉस सेकेंड डेरिवेटिव डी टू आर बाई डी टी टू। ओके, तो इट मीन्स अब हमने ये डेरिवेटिव फर्दर फाइंड करना है। तो यहाँ पे दोनों टर्म्स का हम अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, पहले फाइंड करेंगे हम इसका डेरिवेटिव और फिर हम इसका डेरिवेटिव अलग अलग फाइंड करेंगे। जब फर्स्ट का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हम वो सेम फार्मूला यूज़ करेंगे ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो यानी हम थर्ड वेक्टर का पहले डेरिवेटिव ले लेंगे, फर्स्ट और सेकंड वेक्टर्स एज इट इज लिखेंगे एंड सो ऑन। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट टर्म का तो ये हो जाएगा आर क्रॉस डी आर बाई डी टी। तो जब हम थर्ड वेक्टर डी थ्री आर बाई डी टी थ्री डी टी थ्री, तो जब इसका हम डी बाई डी टी लेंगे तो ये फोर्थ डेरिवेटिव हो जाएगा, तो डी फोर टी बाई डी टी फोर, ये जीरो हो जाएगा। ओके, फिर अब हम फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे और सेकंड का जब हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी, तो ये क्या हो जाएगा डी टू बाई डी आर डी टी टू, और फिर थर्ड वेक्टर अगेन एज इट इज, ये हो गया। अब हम फर्स्ट वेक्टर आर का डेरिवेटिव ले लेंगे और सेकंड और थर्ड वेक्टर को एज इट इज रखेंगे, तो ये हो जाएगा डी आर बाय डी टी और सेकंड और थर्ड वेक्टर एज इट इज डी आर बाय डी टी क्रॉस डी थ्री आर बाय डी टी थ्री। तो ये अभी तक हमने जस्ट फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लिया, अब हम आएंगे सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लेंगे। इसमें भी हम ये करेंगे कि अब सबसे पहले हम थर्ड का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो फर्स्ट वेक्टर डी आर बाई डी टी को हम एज इट इज रखेंगे, सेकेंड को एज इट इज रखेंगे विच इज डी आर बाई डी टी, और जब हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे थर्ड का डी बाई डी टी ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव, तो ये थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा डी थ्री आर बाई डी टी थ्री हो जाएगा। फिर अगेन हम फर्स्ट वेक्टर को एज इट इज रखेंगे डी आर बाई डी टी, अब हम सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी यहाँ पे क्या होगा सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, और थर्ड वेक्टर को हमें एज इट इज रखेंगे। और फिर हम अब फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लेंगे डी बाई डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी, तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे हम सेकंड और थर्ड वेक्टर को एज इट इज रखेंगे डी आर बाई डी टी क्रॉस डी टू आर बाई डी टी। इस तरह हमने सेकेंड टर्म का भी डेरिवेटिव फाइंड कर लिया।
अब हम इन डेरिवेटिव्स को फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है r क्रॉस डी आर बाई डी टी क्रॉस द फोर्थ डेरिवेटिव ओके, और फिर हमारे पास है r क्रॉस डी टू आर बाई डी टी टू क्रॉस थर्ड डेरिवेटिव और फिर यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म्स दोनों सेम टर्म्स आ रही हैं, तो दोनों ऐड होके ये ट्वाइस हो जाएगा प्लस टू टाइम्स डी आर बाई डी टी क्रॉस डी आर बाई डी टी क्रॉस द थर्ड डेरिवेटिव ओके, और ये जो हमारे पास फोर्थ टर्म है ये जीरो हो जाएगी क्योंकि इसमें दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये हमारे पास जो फोर्थ टर्म आ रही है ये क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी क्योंकि इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, फोर्थ टर्म में दो सेम वेक्टर्स का जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है डी टू आर बाई डी टी टू क्रॉस डी टू आर बाई डी टी टू, तो ये टर्म हो जाएगी जीरो, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। और लास्ट में हमारे पास क्या बच जाएगा, तो लास्ट टर्म इज प्लस डी टू आर बाई डी टी टू क्रॉस डी आर बाई डी टी क्रॉस डी टू आर बाई डी टी, तो ये हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। सो दिस इज द आंसर टू द सेकेंड पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 13। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, फाइंड द स्पेस कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर फंक्शन। तो यहां पे हमें स्पेस कर्व की एक वेक्टर इक्वेशन दी हुई है ओके, तो हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इट इज आर ऑफ टी इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई बाई टू टी आई प्लस साइन ऑफ पाई बाई टू टी जे वे टी वेरीज फ्रॉम माइनस टू टू टू। तो ये जो हमें इक्वेशन दी गई है दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ this is the vector equation of the space curve और अब हमने उस कर्व को फाइंड आउट करना है कि ये जो कर्व है 3D के अंदर ये जो स्पेस कर्व है ये क्या बनती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्पेस कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखेंगे ओके, तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो आपको पता है कि जैसे कि हम वेक्टर इक्वेशन हो आर एफ टी उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको हम इस तरह लिखते थे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनाएं तो क्या बनेंगी, तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द स्पेस कर्व आर, तो क्या पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनेगी, दैट एक्स इक्वल्स टू टाइम्स कॉस ऑफ पाई बाय टू टी, हमने कंपेयर कर लिया करस्पॉन्डिंग के कंपोनेंट्स को। सिमिलरली वाई इक्वल्स साइन ऑफ पाई बाय टू टी एंड जेड इक्वल्स जीरो, तो ये हमारे पास एक तरह की पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ गई। इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं x ओवर 2 इक्वल्स कॉस ऑफ पाई बाय 2 टी
एंड वाई इक्वल साइन ऑफ पाई बाय टू टी एंड हियर जेड इक्वल्स जीरो। तो ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ टी, तो यहाँ से हम टी को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास स्पेस कर्व की इक्वेशन आ जाएगी। ओके, सो लेट अस कॉल दिस इक्वेशन इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। तो अब इक्वेशन वन और टू से हम पैरामीटर टी को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड स्पेस कर्व आ जाएगी। तो इन इक्वेशंस में से हम टी को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो हम दोनों इक्वेशंस को अगर स्क्वायर करें और फिर ऐड कर दें तो हमारे पास पैरामीटर टी एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस वन एंड टू, तो ये हो जाएगा एक्स बाय टू होल स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ पाई बाय टू टी प्लस sin स्क्वायर ऑफ पाई बाय टू टी। तो यहाँ पे हमने इक्वेशंस के दोनों इक्वेशंस की दोनों साइड्स को स्क्वायर किया और फिर दोनों साइड्स को ऐड कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं कि x स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वेड इज इक्वल टू वन, तो राइट हैंड साइड हमारे पास वन की इक्वल होगी क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, वन के फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। तो ये आइडेंटिटी हमने यूज कर ली, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जेड क्या था, जीरो था यहाँ से। तो हम देख सकते हैं कि ये किसकी इक्वेशन है, ये एक एलिप्स की इक्वेशन है। तो यही हमारी रिक्वायर्ड स्पेस कर्व है जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी थी। ओके, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड स्पेस कर्व विच इज द इक्वेशन ऑफ एंड एलिप्स। ठीक है, तो ये एक एलिप्स की इक्वेशन है, यहां से हम देख सकते हैं। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर टू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ओके, तो जो एलिप्स है उसको हम फर्दर कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसके बाकी जो एलिमेंट्स हैं हम कैसे बता सकते हैं। हियर, क्योंकि यहाँ पे जेड जीरो के इक्वल है, सो द एलिप्स लाइज इन द एक्स वाई प्लेन। ओके, इसमें जेड जीरो है तो ये जो हमारी स्पेस कर्व है, जो एलिप्स है वो एक्स वाई प्लेन में लाई करेगी। ओके, सो इट्स सेंटर इज जीरो जीरो। ओके, तो एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन पे इसका सेंटर होगा। ओके, और इट्स सेमी मेजर एक्सिस इज टू एंड सेमी माइनर एक्सिस इज वन। ओके, इसको हम अगर स्केच करें एक्स वाई प्लेन के अंदर तो ये हमारी एलिप्स कुछ इस तरह से बनेगी। इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, इसका सेमी मेजर एक्सिस जो है वो टू है, टू माइनस टू, और सेमी माइनर एक्सिस जो है वो वन पे है। तो ये हमारी कुछ इस तरह से एलिप्स बनेगी अगर हम यहाँ से स्केच करें, ये हमारी एलिप्स की इक्वेशन।
अच्छा, स्टार्ट में जैसे कि आपने देखा था कि हमें जब इसकी वेक्टर इक्वेशन दी गई थी तो साथ में हमें इसका टी की रेंज ऑफ वैल्यूज दी गई थी, यानी यहाँ पे इसकी जो डोमेन दी गई थी वो -2 से लेके 2 तक। तो अब इसको यूज करते हुए हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी एलिप्स है वो बिगिन कहाँ से हो रही है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ से हो रही है इस डोमेन के अंदर। तो अगर हम सिंपली टी को -2 प्लग इन कर दें यहाँ पे तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, और इसी तरह जब हम टी को 2 पुट कर दें तो हमें एलिप्स का एंडिंग पॉइंट मिल जाएगा। ओके, तो अब हम देख सकते हैं कि ये बिगिन कहाँ से हो रही है और टर्मिनेट कहाँ पे हो रही है। तो हमारे पास इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या थी, आर ऑफ टी इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई बाय 2t i प्लस साइन ऑफ पाई बाय 2t j, वेयर टी वेरीज फ्रॉम -2 to 2 इंक्लूसिव। तो यहाँ पे -2 से लेके 2 तक ये वेरी कर रहा है टी। सिंपली अगर यहाँ पे हम टी को -2 प्लग इन कर दें, हमारे पास जो आर आएगा वो किसके इक्वल होगा, ये होगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ पाई बाय 2 टाइम्स -2 आई प्लस साइन ऑफ पाई बाय 2 टाइम्स -2 जे। तो ये कौन सा पॉइंट आएगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ -π आई प्लस साइन ऑफ -π जे, सो विच इज इक्वल टू -2 आई प्लस 0j। इट मीन्स एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल टू -2 आई प्लस 0j, विद इट मीन्स ये इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, -2,0। और इस तरह इसका एंडिंग पॉइंट निकालने के लिए अब हम टी को 2 प्लग इन कर देंगे। सो व्हेन टी इज 2 सो द वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे विल बी इक्वल टू 2 cos ऑफ पाई आई प्लस साइन ऑफ पाई जे। ठीक है, तो ये अब इस केस में किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 आई प्लस 0j। तो अगेन ये जो पॉइंट आएगा तो ये पॉइंट अगेन क्या आएगा, -2,0। तो यहाँ पे भी जो हमारे पास एंडिंग पॉइंट आएगा वो होगा -2,0। सो द एलिप्स बिगेन्स एंड टर्मिनेट्स एट द पॉइंट -2,0। सो नाउ दिस इज प्रॉब्लम नंबर 15, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विच मूव्स अलॉन्ग द कर्व एक्स इक्वल्स टू साइन 3t, वाई इक्वल्स टू कॉस ऑफ 3t एंड जेड इक्वल्स 8t एट एनी टाइम्स टी ग्रेटर देन 0। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ हमें जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन दी गई है, तो हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ 3t एंड वाई इक्वल्स टू कॉस ऑफ 3t एंड जेड इक्वल्स 8t। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। ओके, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आर ऑफ टी इक्वल्स एक्स ऑफ टी आई
प्लस वाई ऑफ टी जे प्लस जेड ऑफ टी के। तो वेक्टर इक्वेशन यहाँ फिर क्या बन जाएगी, तो वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी 2 साइन 3 टी आई प्लस 2 कॉस ऑफ 3 टी जे ए प्लस 8 टी के। तो ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी। सो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी। तो हम वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, सो वेलोसिटी इज गिवन एज डी आर बाई डी टी। ओके, तो इस वेक्टर फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, तो इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डी आर बाई डी टी विल बी इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ 2 साइन ऑफ 3 टी। तो ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 कॉस ऑफ 3 टी, 6 कॉस ऑफ 3 टी आए। तो फिर 2 कॉस ऑफ 3 टी का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 6 साइन ऑफ 3 टी जे, तो 8 टी का डेरिवेटिव होगा 8 के। ओके, तो ये इसकी क्या आ गई, वेलोसिटी। अब हमने साथ वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी फाइंड कर लिया। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सिंपली द मॉड ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन डी आर बाई डी टी। इस अगर वेक्टर फंक्शन का अगर हम मॉड फाइंड करें तो क्या होगा, इज इक्वल टू 6 कॉस ऑफ 3 टी होल स्क्वेड प्लस माइनस 6 साइन ऑफ 3 टी होल स्क्वेड प्लस 8 स्क्वेड स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमें इसका मॉड मिल जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 36 कॉस स्क्वेयर 3 टी प्लस 36 साइन स्क्वेयर 3 टी प्लस 64 स्क्वायर रूट। तो विच इज इक्वल टू 36 टाइम्स cos square 3t plus sin square 3t plus 64 whole square root। और इसको हम आगे लिखें, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 36 plus 64 square root which is equal to 100 square root which is equal to 10। Okay, so the magnitude of velocity is 10 units. Then now let us find the acceleration. So acceleration is given as the second derivative of r of t. So d to r by d t2. So this is simply the derivative of first derivative dr by dt. So d by dt of dr by dt. So dr by dt हमारे पास क्या आया था ऊपर, उसका एक्सप्रेशन क्या आया था, तो dr by dt हमारे पास आया था 6 cos of 3t i minus 6 sin of 3t j प्लस 8। तो ये हमारे पास आया था डी आर बाई डी टी। तो ये डेरिवेटिव बनेगा, द डेरिवेटिव ऑफ 6 कॉस 3 टी इज माइनस 18 साइन ऑफ 3 टी आई एंड माइनस द डेरिवेटिव ऑफ 6 साइन 3 टी इज 18 कॉस ऑफ 3 टी जे, और 8 का डेरिवेटिव होगा 0। Okay, so this is the expression for acceleration. तो इसकी भी हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 18 साइन ऑफ 3 टी होल स्क्वायर प्लस माइनस 18 कॉस ऑफ 3 टी होल स्क्वायर स्क्वायर रूट।
So this is equal to minus 18 squared into sine squared 3t plus minus 18 squared cos squared 3t होल स्क्वायर रूट. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 18 स्क्वायर्ड इनटू साइन स्क्वायर 3t प्लस कॉस स्क्वायर 3t स्क्वायर रूट. सो व्हिच इज इक्वल टू 18 स्क्वायर्ड टाइम्स 1 स्क्वायर रूट व्हिच इज इक्वल टू 18 यूनिट्स. ओके सो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज 18 यूनिट्स. सो अब हम आएंगे प्रॉब्लम नंबर 16 पे. अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x इक्वल्स 4 cos t एंड y इक्वल्स 4 sin t z इक्वल्स 60 वेयर t इज द टाइम. फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल्स 0 एंड t इक्वल्स पाई बाय 2. तो यहां पे भी हमें पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी गई हैं और हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करने. तो यहाँ पे जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं वो हैं x इक्वल्स 4 cos t, y इक्वल्स 4 sin t एंड z इक्वल्स 60. तो ये हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं. तो सबसे पहले हमने पोजीशन वेक्टर फंक्शन लिखने हैं. सो हियर द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विल बी आर ऑफ टी इक्वल्स 4 कॉस ऑफ टी आई प्लस 4 साइन ऑफ टी जे प्लस 60 के. तो वेलोसिटी क्या होगा फिर? So here velocity will be equal to dr by dt. तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लें तो क्या आएगा? 4 cos t का डेरिवेटिव माइनस 4 sin t टाइम्स i प्लस 4 cos t टाइम्स j प्लस 6k. तो ये आ गया हमारे पास velocity. अब हमने velocity कहाँ पे फाइंड करनी है? t इक्वल 0 पे और t इक्वल्स पाई बाय 2 पे. सो एट t इक्वल 0 द वेलोसिटी विल बी इक्वल टू माइनस 4 साइन ऑफ 0 i प्लस 4 कॉस ऑफ 0 j प्लस 6k. सो विच इज इक्वल टू 0 i प्लस 4 टाइम्स कॉस 0 इज 4 4j प्लस 6k. सो विच इज इक्वल टू 4j प्लस 6k. ओके सो दिस इज द वेलोसिटी एट t इक्वल 0. सो नाउ वी विल फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल्स पाई बाय 2. सो एट t इक्वल्स पाई बाय 2 द वेलोसिटी इज माइनस 4 साइन ऑफ पाई बाय 2 i प्लस 4 cos of pi by 2 j plus 6k. So which is equal to minus 4 i sin of pi by 2 1 होता है तो ये minus 4 हो जाएगा. minus 4 i plus 0 j cos of pi by 2 0 होता है plus 6k. Or which is equal to minus 4 i plus 6k. So this is the velocity at t equals pi by 2. तो अब हमने सेम इसी तरह एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है टी इक्वल जीरो पे और पाई बाय टू पे. अब एक्सेलरेशन सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं. एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी टू आर बाय डी टी टू द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ आर ऑफ टी. तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव था वो यहाँ दिया हुआ था. तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि डी बाई डी टी ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव विच इज माइनस 4 साइन ऑफ टी आई प्लस 4 कॉस ऑफ टी जे प्लस 6 के. तो इसका हम दोबारा डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं. तो ये किसकी इक्वल होगा? माइनस 4 कॉस ऑफ टी आई
माइनस फोर साइन ऑफ टी जे प्लस जीरो. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन. सो वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन एट फर्स्ट टी इक्वल जीरो. एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस फोर कॉस ऑफ जीरो आई माइनस फोर साइन ऑफ जीरो जे विच इज इक्वल टू माइनस फोर आई प्लस और माइनस जीरो जे. एंड एट टी इक्वल्स फाइव बाई टू द एक्सेलरेशन इज माइनस फोर ऑफ कॉस ऑफ फाइव बाई टू आई माइनस फोर साइन ऑफ फाइव बाई टू जे. सो विच इज इक्वल टू जीरो आई माइनस फोर जे. सो दिस इज एक्सेलरेशन एट टी इक्वल्स फाइव बाई टू. सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 17. अ पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग द कर्व एक्स इक्वल्स टी क्यूब प्लस वन वाई इक्वल्स टी स्क्वेर्ड z equals 2t plus 5, where t is the time. Find the components of its velocity v and acceleration a at time t equals 1 in the direction of I plus j plus 3k. So let's start with the solution of this problem. तो यहाँ पे हमें कर्व के डिस्प्लेसमेंट की पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी गई हैं. तो हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करने टी इक्वल्स वन पे इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर. तो सबसे पहले हम इसका पोजीशन वेक्टर फंक्शन आर ऑफ टी जो है वो लिखेंगे. तो वो क्या होगा, आर ऑफ टी इक्वल्स एक्स ऑफ टी आई प्लस वाई ऑफ टी जे प्लस जेड ऑफ टी के. हम वैल्यूज प्लग इन कर देंगे पैरामीट्रिक इक्वेशंस. आर ऑफ टी इक्वल्स टी क्यूब प्लस वन आई प्लस टी स्क्वेर जे प्लस टू टी प्लस फाइव के. तो ये हमारे पास आ जाएगा आर ऑफ टी. तो वेलोसिटी अब होगा हमारे पास डी आर बाई डी टी. तो डेरिवेटिव फाइंड कर लें तो ये होगा थ्री टी स्क्वेर आई प्लस टू टी जे प्लस टू के. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी. So we have to find the velocity at t equals 1. So at t equals 1, the velocity is equal to, replace t over here with 1. So ye hamare paas aa jayega 3i plus 2j plus 2k. ये वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा. इस तरह अब हमने इसका एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो फाइंड करना. तो एक्सेलरेशन इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ r ऑफ t. ओके, सो विच इज द डेरिवेटिव ऑफ dr by dt. dr by dt क्या था हमारे पास, 3t स्क्वेर i प्लस टू टी जे प्लस टू के. इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये हो जाएगा सिक्स टी आई प्लस टू जे. यहाँ पे टी इक्वल्स वन पे एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, इक्वल टू सिक्स आई प्लस टू जे.
ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। ओके, तो वेलोसिटी का हमारे पास ये आ गई थी टी इक्वल्स वन पे, और ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया ए टी इक्वल्स वन। अब हमने इन दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आई प्लस जे प्लस थ्री के। ओके, सो वी हैव टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वी इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, द कंपोनेंट ऑफ वी इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर सपोज बी। कोई भी वेक्टर बी हो और उसके पैरेलल या उसके डायरेक्शन में अगर हमने वी का कंपोनेंट फाइंड करना है तो ये किसके इक्वल होगा, इसको हम प्रोजेक्शन भी कहते हैं। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी वी इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बी विल बी इक्वल टू सिंपली वी डॉट बी डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी। इस तरह ये कंपोनेंट आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमें वेक्टर जिसको हमने बी का नाम दिया है तो वेक्टर क्या है आई प्लस जे प्लस थ्री के। सो हियर बी इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस थ्री के। तो अब हम ये फाइंड कर लेते हैं। सो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर विल बी इक्वल टू v dot b divided by magnitude of b. So v dot b. तो v vector क्या था हमारे पास, v vector था 3i plus 2j plus 2k. So 3i plus 2j plus 2k. So 3i plus 2j plus 2k dot the b vector which is i plus j plus 3k divided by the magnitude of the vector b which is 1 squared plus 1 squared plus 3 squared square root. तो ये हमारे पास component of velocity आ जाएगा। तो dot product लेकर हम यहाँ पे इन दो vectors का तो हो जाएगा 3 times 1 plus 2 times 1 plus 2 times 3 divided by the magnitude is 1 plus 1 plus 9 square root. So which is equal to 3 plus 2 plus 6, so 11 by square root of 11. तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि square root of 11. ये हमारे पास क्या आ जाएगा, so component of the velocity in the direction of the given vector. इस तरह हम एक्सेलरेशन का कंपोनेंट फाइंड करेंगे। सो नाउ द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, सो दिस विल बी अगेन द सेम एज ए डॉट बी डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ए वेक्टर क्या था हमारे पास, वेक्टर ए था 6i प्लस 2j, सो 6i प्लस 2j डॉट बी वेक्टर, और बी वेक्टर था हमारे पास i प्लस j प्लस 3k डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो अगेन ये 1 स्क्वायर्ड प्लस 1 स्क्वायर्ड प्लस 3 स्क्वायर्ड, ऊपर हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट आएगा ये होगा 6 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स 1, और नीचे जो मैग्नीट्यूड आई थी वो थी स्क्वायर रूट ऑफ 11, so this is equal to 8 over square root of 11. So this is the component of acceleration in the direction of given vector. So now we come to the problem number 18. Find the unit tangent vectors t to the curves represented by the following vector functions at the specified points. तो यहाँ पे हमें वेक्टर फंक्शंस दिए गए हैं और हमने यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स फाइंड करने,
तो अगर हमें किसी भी कोई वेक्टर फंक्शन दिया हो आर ऑफ टी, तो सिंपली जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर होता है टी वो किसके इक्वल होता है, डी आर बाई डी टी डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर बाई डी। ओके, तो हमने क्या करना है, टेंजेंट वेक्टर निकालना है विच इज डी आर बाई डी टी, और उसको उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर टी आ जाएगा विच इज यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो सिंपली हमने हर एक पार्ट में हमने डी आर बाई डी टी फाइंड करना है और फिर उसको उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास जो वेक्टर फंक्शन है आर ऑफ टी, सो दिस इक्वल टू कॉस टी आई प्लस साइन टी जे प्लस टी के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टी इक्वल्स पाई पे यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले डी आर बाई डी टी फाइंड कर लें, सो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ले लें तो माइनस साइन ऑफ टी आई प्लस कॉज ऑफ टी जे प्लस वन के। ओके, तो ए टी इक्वल्स पाए, तो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ पाए आई प्लस कॉज ऑफ पाए जे प्लस के, सो विच इज इक्वल टू 0i एंड माइनस वन जे प्लस के, माइनस जे प्लस के, सो दिस इज डी आर बाई डी टी। अब यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होगा, सो द यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी विल बी इक्वल टू सो डी आर बाई डी टी डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। सो माइनस जे प्लस के डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड क्या होगी, सो माइनस वन स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर, सो माइनस जे प्लस के डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ टू। तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि माइनस वन बाय स्क्वेयर रूट ऑफ टू जे प्लस वन बाय स्क्वेयर रूट ऑफ टू के। ओके, सो दिस इज द यूनिट टेंजेंट वेक्टर। अब हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड करेंगे वेक्टर फंक्शन का जो हमें पार्ट बी में दिए गए हैं। पार्ट बी में सेकंड पार्ट में क्या है, आर ऑफ टी इक्वल्स दिस थिंग। ओके, तो अब हम सेकंड पार्ट करेंगे और यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड करेंगे, आर ऑफ टी इक्वल्स टी माइनस टी क्यूब बाई थ्री I प्लस टी स्क्वेड जे प्लस टी प्लस टी क्यूब बाई थ्री के, और यहाँ पे हमने टी इक्वल्स वन पे यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड करना है। सो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू, तो डेरिवेटिव क्या होगा, जो होगा वन माइनस थ्री टी स्क्वेयर बाई थ्री आई प्लस टू टी जे प्लस वन प्लस थ्री टी स्क्वेयर बाई थ्री के। तो ये आ जाएगा डी आर बाई डी टी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं कि वन माइनस टी स्क्वेयर आई प्लस टू टी जे प्लस वन प्लस टी स्क्वेयर के, सो दिस इज डी आर बाई डी टी। सो ए टी इक्वल्स वन, डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, तो हम टी को रिप्लेस कर देंगे वन से, वन माइनस वन आए प्लस टू टाइम्स वन जे प्लस वन प्लस वन के, तो ये हो जाएगा जीरो आए प्लस टू जे प्लस टू के, सो दिस इज डी आर बाई डी टी। ओके, तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर इस केस में क्या होगा, वो होगा डी आर बाई डी टी डिवाइड बाय
its magnitude. So you get 2j plus 2k divided by 4 plus 4 square root. So 2j plus 2k divided by square root of 8. फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट को. इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट 2 जे प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 2 के. सो दिस इज द यूनिट टेंजेंट वेक्टर. अब हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड करेंगे थर्ड पार्ट के लिए. तो थर्ड पार्ट में हमें जो वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है आर ऑफ टी, वो क्या है? आर ऑफ टी इज इक्वल टू ए टाइम्स टी माइनस साइन टी आई प्लस ए टाइम्स वन माइनस कॉज ऑफ टी जे. एंड हियर टी इक्वल्स एनी पॉइंट टी. So t is any point. तो हमने जनरल यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड करना. सो डी आर बाई डी टी क्या होगा? सो दिस इक्वल टू ए टाइम्स वन माइनस कॉस टी आई. डेरिवेटिव ले लिया हमने, तो यहाँ पे ए टाइम्स वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा और cos t का माइनस साइन t, तो 0 प्लस साइन t j. इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a टाइम्स 1 माइनस cos t i प्लस a टाइम्स साइन t j. सो दिस इज dr by dt. सो यूनिट टेंजेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू सो dr by dt डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. सो a टाइम्स 1 माइनस cos ऑफ t i प्लस a sin of t j divided by the magnitude of this vector, which is the square root of a times 1 minus cos of t whole squared plus a sin of t whole squared. Okay, to come further, kaise likh sakte hain? A times 1 minus cos of t i plus a sin of t j divided by square root of a square into 1 minus cos of t whole squared plus a square sin square t. Further simplify kar lete hain. So the unit tangent vector t equals a times 1 minus cos of t I plus a sin of t j divided by square root of a square को यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं, तो 1 minus cos of t squared plus sin square t. So which is equal to a times 1 minus cos of t I plus a sin of t j divided by square root of a square into, यहाँ पे मैं square को expand कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 minus 2 cos t plus cos square t and plus sin square t. इसको हम आगे इस तरह लिख सकते हैं कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी इक्वल्स ए टाइम्स 1 माइनस कॉस टी आई प्लस ए साइन टी जे ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इनटू 1 माइनस 2 कॉस टी प्लस 1. यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी की जगह हम लिख दिया 1. इसको फर्दर हम लिख सकते हैं
ए टाइम्स वन माइनस कॉस टी आई प्लस ए साइन टी जे ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर इंटू टू माइनस टू कॉस टी। ओके, तो ऊपर यहाँ हम ए कॉमन ले सकते हैं, ऊपर ये हो जाएगा वन माइनस कॉस टी आई प्लस साइन टी जे डिवाइडेड बाय नीचे ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लें तो हो जाएगा ए टाइम्स वो टू कॉमन ले लें वन माइनस कॉस ऑफ टी स्क्वायर। ए और ए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी वन माइनस कॉस टी आई प्लस साइन टी जे ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ टू टाइम्स वन माइनस कॉस ऑफ टी। अब देखिए वन माइनस कॉस ऑफ टी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर ऑफ टी बाई टू, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की हम ये आइडेंटिटी यूज करें तो ये क्या बन जाएगा। ऊपर भी देखिए वन माइनस कॉस टी की जगह हम ये लिख सकते हैं सो टू साइन स्क्वायर ऑफ टी बाई टू आई प्लस, और साइन टी को भी हम देखें अगर हाफ एंगल में लिखें तो हम लिख सकते हैं टू साइन ऑफ टी बाई टू इंटू कॉज ऑफ टी बाई टू। सो ये टू साइन ऑफ टी बाई टू इंटू कॉज ऑफ टी बाई टू जे सो दिस थिंग डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ सो टू इंटू वन माइनस कॉस टी इज टू साइन स्क्वायर ऑफ टी बाई टू। तो ये हो जाएगा जी टू साइन स्क्वायर ऑफ टी बाई टू आई प्लस टू साइन ऑफ टी बाई टू कॉस ऑफ टी बाई टू जे डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ फोर टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ टी बाई टू। तो यहाँ पे हम ऊपर टू कॉमन ले लेते हैं ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ टी बाई टू आई प्लस साइन ऑफ टी बाई टू इंटू कॉस ऑफ टी बाई टू जे और यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो फोर का स्क्वायर रूट टू आ जाएगा और साइन स्क्वायर टी बाई टू का स्क्वायर रूट हो जाएगा साइन ऑफ टी बाई टू। टू टू तो यहाँ से कट जाएगा तो पीछे जो हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा वो होगा साइन स्क्वायर ऑफ टी बाई टू आई प्लस साइन ऑफ टी बाई टू कॉस ऑफ टी बाई टू जे डिवाइड बाय साइन ऑफ टी बाई टू। तो अब हम अलग अलग इनको अगर साइन ऑफ टी बाई टू पे डिवाइड करें दोनों कंपोनेंट्स को आई और जे को तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन ऑफ टी बाई टू आई साइन स्क्वायर ऑफ टी बाई टू डिवाइड बाय साइन ऑफ टी बाई टू ये साइन ऑफ टी बाई टू हो जाएगा। फिर प्लस जब इसको हम साइन ऑफ टी बाई टू पे डिवाइड करेंगे तो साइन टी बाई टू साइन टी बाई टू कट जाएंगे तो कॉस ऑफ टी बाई टू रहते हैं जी। सो दिस इज अवर यूनिट टेंजेंट वेक्टर सो टी विच इज इक्वल टू साइन ऑफ टी बाई टू आई प्लस कॉस ऑफ टी बाई टू जे। अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 19 पे फाइंड अ यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्स इक्वल्स ए कॉस डब्ल्यू टी एंड वाई इक्वल्स ए साइन ऑफ डब्ल्यू टी जेड इक्वल्स बी टी वेयर ए बी एंड डब्ल्यू आर कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पे भी हमने यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड करना है सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसका पोजिशन वेक्टर आर ऑफ टी लिख लेंगे सो आर ऑफ टी किसके इक्वल होगा
this is equal to x of ti, so this is a cos of w t I plus y j, so this is a sin of w t j, और फिर z k, so b t k. ये क्यों हमने लिखा है? Because r of t किसके इक्वल होता है? x of t I plus y of t j plus z of t k, तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर फंक्शन होता है. तो यहाँ से हमने x of t, y of t, z of t की वैल्यूज लिख दी, तो ये हमारे पास वेक्टर फंक्शन आ गया. तो अब यूनिट टेंजेंट वेक्टर किसके इक्वल होता है? तो ये होता है डी आर बाई डी टी डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर बाई डी. तो सबसे पहले हम डी आर बाई डी टी फाइंड करेंगे, फिर उसको उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे. ओके, तो डी आर बाई डी टी क्या होगा? यहाँ पे डेरिवेटिव ले लीजिए इसका, आर ऑफ टी का. तो ए कॉस डब्ल्यू टी का डेरिवेटिव होगा माइनस ए डब्ल्यू साइन ऑफ डब्ल्यू टी आई, और ए साइन ऑफ डब्ल्यू टी का डेरिवेटिव ए कॉस ऑफ ए डब्ल्यू इंटू कॉस ऑफ डब्ल्यू टी जे, और बी टी का डेरिवेटिव होगा बी. तो ये आ गया हमारे पास डी आर बाई डी टी. और यूनिट टेंजेंट वेक्टर किसके इक्वल होगा? इस वेक्टर डी आर बाई डी टी को हम इसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे. तो माइनस ए डब्ल्यू साइन ऑफ डब्ल्यू टी आई प्लस ए डब्ल्यू कॉस ऑफ डब्ल्यू टी जे प्लस बी के डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए डब्ल्यू साइन ऑफ डब्ल्यू टी होल स्क्वायर प्लस ए डब्ल्यू कॉस ऑफ डब्ल्यू टी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसको हम सिंप्लीफाई करें. सो माइनस ए डब्ल्यू साइन ऑफ डब्ल्यू टी आई प्लस ए डब्ल्यू कॉस ऑफ डब्ल्यू टी जे प्लस बी के डिवाइड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट के अंदर हम स्क्वेयर्स एक्सपेंड कर लेते हैं. तो ए डब्ल्यू साइन ऑफ डब्ल्यू टी का स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ डब्ल्यू टी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ डब्ल्यू टी प्लस बी स्क्वायर. सो माइनस ए डब्ल्यू साइन ऑफ डब्ल्यू टी आई प्लस ए डब्ल्यू कॉस ऑफ डब्ल्यू टी जे प्लस बी के डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से हम ए स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर कॉमन ले लें, तुम्हारे पास साइन स्क्वायर डब्ल्यू टी प्लस कॉस स्क्वायर डब्ल्यू टी प्लस बी स्क्वायर, ये रह जाएगा. इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. दिस ओवर यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी विल बी इक्वल टू माइनस ए डब्ल्यू साइन ऑफ डब्ल्यू टी आई प्लस ए डब्ल्यू कॉस ऑफ डब्ल्यू टी जे प्लस बी के डिवाइड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पे साइन स्क्वायर डब्ल्यू टी प्लस कॉस स्क्वायर डब्ल्यू टी वन के इक्वल होगा. सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड यूनिट टेंजेंट वेक्टर. प्रॉब्लम नंबर 20, फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द कर्व आर इक्वल्स टी स्क्वायर आई प्लस टू टी जे माइनस टी क्यूब के एट द पॉइंट्स टी इक्वल्स प्लस और माइनस वन. तो यहाँ पे हमने टेंजेंट वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड आउट कर दी. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंजेंट वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं. तो आर आर ऑफ टी हमें दिया हुआ है, तो हमें पता है कि टेंजेंट वेक्टर किसके इक्वल होता है. तो टेंजेंट वेक्टर होता है डी आर बाई डी टी. अब हमने डी आर बाई डी टी फाइंड करने हैं वन पे और माइनस वन पे, तो ये दो वेक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास. तो अब हम इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड कर लेंगे यूजिंग द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. तो सबसे पहले हम डी आर बाई डी टी अलग अलग फाइंड कर लेते हैं वन पे और माइनस वन पे. ओके, तो आर ऑफ टी जो हमारे पास यहाँ पे है, सो देर इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई
plus 2tj minus t cube k. So this is r of t. So dr by dt क्या होगा? Derivative ले लें, ये होगा 2ti plus 2j minus 3t square k. So this is dr by dt. Now at t equals minus 1. So dr by dt क्या होगा? So this is equal to 2 times minus 1i plus 2j minus 3 times minus 1 squared k. So this is equal to minus 2i plus 2j minus 3k. इसी तरह at t equals 1, 1 पे dr by dt क्या होगा? So dr by dt will be equal to 2 times 1i plus 2j minus 3 times 1 squared k. So this is equal to 2i plus 2j minus 3k. तो ये हमारे पास टेंजेंट वेक्टर्स आ गए. अब हमने इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना है. ओके, तो एंगल कैसे फाइंड करते हैं हम? यूजिंग द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. मुझे पता है कि यानी अब हमारे पास अगर कोई से भी दो वेक्टर्स हों, सपोज वेक्टर ए वेक्टर बी, और उनके दरमियान अगर हमने एंगल थीटा फाइंड करना हो तो उसका क्या फार्मूला होता था? कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बी. ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. तो अब हमने इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना है, तो हमने इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है और इनकी मैग्नीट्यूड्स लेनी है और यहाँ पे प्लग इन कर देनी. तो कॉस ऑफ थीटा, तो हमारे जो दो वेक्टर्स हैं, एक है माइनस टू आई प्लस टू जे माइनस थ्री के, तो हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है इसका दूसरे वेक्टर के साथ, टू आई प्लस टू जे माइनस थ्री के डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स. तो फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी? तो दिस इज माइनस टू स्क्वेड प्लस टू स्क्वेड प्लस माइनस थ्री स्क्वेड इंटू सेकेंड की मैग्नीट्यूड, सो विच इज टू स्क्वेड प्लस टू स्क्वेड प्लस नेगेटिव थ्री स्क्वेड. अब इस एक्सप्रेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं और एंगल थीटा फाइंड कर लेंगे. कॉस थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? माइनस टू टाइम्स टू प्लस टू टाइम्स टू प्लस माइनस थ्री टाइम्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय और मैग्नीट्यूड्स फर्स्ट वेक्टर की क्या होगी? 4 प्लस 4 प्लस 9 इंटू सेकेंड की मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 प्लस 9. सो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 4 प्लस 9 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 17 into square root of 17. So cos theta is equal to 9 by 17. इस तरह लिख सकते हैं. और यहाँ से अब हम theta find करेंगे, तो ये हो जाएगा cos inverse of 9 by 17. तो ये हमारे पास क्या आता है? 58.03 या 58 degree. Theta is 58 degree. So this is the angle between the given two tangent vectors. So this is the angle between tangent vectors.